किसानों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड के सितारगंज में गन्ना किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बहेड़ी चीनी मिल के कांटे लगाए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने बताया कि विगत 2 वर्षों से चीनी मिल सितारगंज बंद पड़ा है। इसके बाद सितारगंज क्षेत्र के किसानों का गन्ने की तलाई के लिए बहेड़ी चीनी मिल के कांटे लगाए गए थे। किसान काफी सहमत थे, संतुष्ट थे, लेकिन इस बार सितारगंज पंडरी गन्ना तोल के लिए जो कांटा लगाया गया है, बड़ी चीनी मिल का ना लगाकर बाजपुर चीनी मिल का लगाया गया है, जिससे किसानों में आक्रोश दिखाई दिया है और बाजपुर चीनी मिल काटना ना लगाते हुए बहेड़ी चीनी मिल का कांटा लगाने की मांग। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। आज 4 ग्राम गोठा लोका जनता गोठा और देहड़ा गांव के रहने वाले गन्ना किसानों ने एक ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा कुछ जो मुद्दे उठाए गए हैं वो है कि गन्ना सेंटरों पर होने वाली घटतोली, इसके अलावा उनके द्वारा जो उनको बहेड़ी चीनी मिल आवंटित थी पहले, उसको भी बाजपुर कर दिया गया है। किसान चाहते हैं कि उसको वापस से बहरी कर दिया जाए। किसान इकट्ठे हुए सारे और ज्ञापन दे गए। आज पिछले जो 2 साल से, आज 3रा वर्ष है गन्ना जो चीनी मिल है सितारगंज की जो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो सारे जागरूक किसानों ने इकट्ठे होकर आज यहाँ पर मीटिंग करके एक गन्ना किसान चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति बनाई है, ताकि इस चीनी मिल को चलाने में सहयोग किया जा सके, आंदोलन किया जा सके, क्योंकि सरकार कोई भी सुनने को राजी नहीं। और 3 साल से जो है केवल लॉलीपॉप देते आ रहे हैं कि चीनी मिल चलाएंगे चलाएंगे, चली नहीं। तो इस चीनी मिल को चलाने के लिए संघर्ष समिति बनाई है और 10 तारीख को जो समिति बनाई उसने निर्णय लिया कि 10 तारीख को SDM कोर्ट में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा चीनी मिल चलाने के लिए। इस चीनी मिल के ऊपर अब कुछ लोगों की नज़रें थी कि इसको जो है खरीदा जाए, प्राइवेट सेक्टर में देना चाह रहे थे, किसी प्राइवेट उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से ही मैं समझता हूँ कि इसको बंद किया गया, वरना बंद करने का कारण नहीं था। चीनी मिल तो बिल्कुल चालू हालत में थी और चलने को तैयार थी, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है और जो है कि बहुत किसानों में रोष है और किसान जो है इस धोखे का जवाब जरूर देंगे।